Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Ruby College, University of Allahabad. And in the series of discussing various learning theories, this time I am going to discuss with you all the Kurt Lewin's field theory of learning. Okay, so let's start. First of all, इसके पहले हम लोगों ने बंडूर इसके पहले हम लोगों ने सोशल लर्निंग थ्योरी की बात की थी ना, अल्बर्ट बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी. वो हम लोगों ने बात की थी कि वो बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म के बीच के गैप को ब्रिज करने का एक तरीका है, एक मार्ग है ना. एक उन्होंने बिहेवियरिस्ट से भी थोड़े कॉन्सेप्ट्स लिए और थोड़ा सा कॉग्निटिविस्ट को भी लिया है. उसी तरह से जो फील्ड अप्रोचेस है वो भी कॉग्निटिव फील्ड अप्रोच है ना, तो ये भी कॉग्निटिविस्ट थ्योरी मानी जाएगी. तो क्या कह रहे हैं कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द थ्योरी इज दैट ऑल साइकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ए पर्सन एट अ गिवन टाइम इज अ फंक्शन ऑफ द टोटैलिटी ऑफ कोएग्जिस्टिंग फैक्टर्स दैट आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट. वो कह रहे हैं कि जो ये फील्ड थ्योरी है कर्ट लीविन की, जो कॉग्निटिव अप्रोच को इन्होंने लिया है, वो इस आधार पर बेस्ड है. इसका मुख्य मुद्दा ये है कि किसी भी व्यक्ति की जितनी भी मनोवैज्ञानिक क्रियाएं होती हैं वो कोएग्जिस्टिंग फैक्टर्स, मतलब जितने फैक्टर्स उसको प्रभावित करते हैं उन सब की टोटैलिटी, मतलब टोटल फैक्टर्स के जो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है उन्हीं का फंक्शन है, उन्हीं का एक तरीके से प्रतिफल होता है. और फील्ड थ्योरी इज द टर्म लीविन यूज फॉर इट्स साइकोलॉजिकल थ्योरी व्हिच एग्जामिन्स पैटर्न्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड द टोटल फील्ड ऑफ द सराउंडिंग एनवायरनमेंट्स इन विच दे मूव. यानी कि लीविन ने अपनी थ्योरी का नाम फील्ड थ्योरी दिया और उन्होंने कहा कि ये एग्जामिन किया, ये जांच की किसकी पैटर्न्स ऑफ इंटरेक्शन, यानी कि जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल है, वो किस तरह से इंटरेक्ट करता है किसके किसके बीच में, बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड द टोटल फील्ड और द सराउंडिंग एनवायरनमेंट्स इन विच दे मूव. यानी कि व्यक्ति और वो जो पूरा क्षेत्र या जो पूरा वातावरण जिसमें वो मूव करता है उसका जो इंटरेक्शन होता है उसी से इनकी फील्ड थ्योरी निकल के आई है. दी रूट्स ऑफ फील्ड थ्योरी लाई बोथ इन फिजिक्स एंड साइकोलॉजी. इसकी जड़ें हमको फिजिक्स में भी मिलती हैं और साइकोलॉजी में मिलती हैं. दिस कॉन्सेप्ट फर्स्ट मेड इट्स अपीयरेंस इन साइकोलॉजी विद रूट्स टू द होलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ गेस्टाल्ट थ्योरीज या गेस्टाल्ट थ्योरीज. देखिए जब आप गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट को पढ़ते हैं तो कोफ्का है, कोहलर है, कर्ट लीविन का नाम भी उनके साथ आता है. तो जब हम लोग गेस्टाल्ट थ्योरी की बात जब साइकोलॉजी में आई वहीं से हमको इसका कंसेप्ट का उद्भव मिलता है, क्योंकि वहां पे भी वो टोटैलिटी की बात करते हैं ना, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव की बात करते हैं. इट वाज डेवलप्ड बाय कर्ट लीविन एंड गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट इन 1940, यानी कि 1940 में ये फील्ड अप्रोच फील्ड थ्योरी इन्होंने दी है. Throughout a career of 30 years, Lewin devoted himself to the broadly defined area of human motivation, describing human behavior within its total physical and social context. और अपने 30 सालों के करियर में, क्योंकि लीविन साहब की जल्दी से अल्पकाल में मृत्यु हो गई थी, तो लीविन ने अपना पूरा जो जीवन काल था वो ह्यूमन मोटिवेशन, कैसे ह्यूमन मतलब मनुष्य अभिप्रेरणा के लिए और उसके व्यवहार को डिस्क्राइब करने के लिए उसके पूरे फिजिकल और सामाजिक कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए इन्होंने डिस्कस किया और अपनी फील्ड थ्योरी दी. तो फील्ड साइकोलॉजी क्या है लीविन की? कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजिस्ट ड्रॉ हेविली ऑन द फील्ड साइकोलॉजी ऑफ कर्ट लीविन. आप कह सकते हैं कि जो कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजिस्ट हुए वो ज्यादातर कर्ट लीविन के काम पे ही बेस्ड हैं. ऑल्दो लीविन हैड फोकस्ड नॉट ऑन द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग बट ऑन द साइकोलॉजी ऑफ मोटिवेशन एंड परसेप्शन, ही वाज कंसर्न अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ हिज थ्योरी टू लर्निंग. मतलब एक्चुअली इनकी लर्निंग की थ्योरी नहीं है, एक्चुअली इनकी थ्योरी मोटिवेशन और परसेप्शन की है कि किस तरह से व्यक्ति अभी प्रेरित होता है, वो कैसे चीजों को परसीव करता है. लेकिन वो इस बारे में इच्छुक थे कि अपनी थ्योरी का अनुप्रयोग लर्निंग पे कर सके, इसीलिए लर्निंग थ्योरी के अंतर्गत इसको पढ़ लिया जाता है. लीविन यूज द कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ स्टेज. देखिए जब आप लीविन की थ्योरी पढ़ते हैं तो कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, जैसे बंडूरा में रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म था, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग था, वाइकेरियस लर्निंग था, सेल्फ एफिकेसी था. उसी तरह से लीविन में लाइफ स्पेस है, टोपोलॉजी है, वेक्टर है, बैरियर है, ये सारी चीजें आएंगी. तो इन्होंने लाइफ स्पेस के कॉन्सेप्ट को बहुत व्यापक रूप से डिफाइन किया है. इनके हिसाब से लाइफ स्पेस क्या है? लाइफ स्पेस इंक्लूड्स एवरीथिंग वन नीड्स टू नो अबाउट ए पर्सन साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट एट ए गिवन टाइम. यानी कि एक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक वातावरण को पूरी तरीके से जानने के लिए हमको उसका लाइफ स्पेस जानना होगा. लीविन्स फील्ड साइकोलॉजी इज मोर एग्जैक्टली नोन एज टोपोलॉजी एंड वेक्टर साइकोलॉजी. और इनकी फील्ड साइकोलॉजी को हम एक अच्छा और बेहतर तरीके से जान सकते हैं, टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है या वेक्टर साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है. हर चीज की हिंदी जानने की जरूरत नहीं है. टोपोलॉजी को टोपोलॉजी लिखिए, वेक्टर साइकोलॉजी को वेक्टर साइकोलॉजी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं.
In developing his psychology, he borrowed ideas and concepts from other disciplines, especially from geometry and physics. अपनी psychology को develop करने के लिए उन्होंने कई terms borrow किए, कई ideas borrow किए, उधार लिए, कहाँ कहाँ से, दूसरे अनुशासनों से भी लिए, जैसे कि geometry से लिया है, कुछ physics से लिया है. The concept of topology has been borrowed from geometry and vector from physics. तो जो topology का concept है वो उन्होंने geometry से लिया और जो vector का concept है वो physics से लिया. हम लोग vector पढ़ते थे ना, same vector एक दिशा में जा रहा है, ऑपोजिट वेक्टर वो एक दूसरे को कट कर रहा है, ठीक है. तो फील्ड साइकोलॉजी लिविंग की क्या है, विद इन द कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज एन इंटरैक्शनल प्रोसेस विद व्हिच अ पर्सन अटेन्स न्यू इनसाइट्स और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स और चेंजेस द ओल्ड वंस. उन्होंने कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी में लर्निंग की कहा कि क्या इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो इंटरैक्शन का प्रोसेस है उसी इंटरेक्शन के प्रोसेस से एक व्यक्ति जो है वो नया इनसाइट गेन करता है या उसके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में चेंज होता है. क्यों? क्योंकि कॉग्निटिव फील्ड के लिए तो ये कॉग्निशन की बात करेंगे. अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजिस्ट नो रियलिटी इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ अवर एक्सपीरियंस. तो ये कह रहे हैं कि कोई भी जो यथार्थ है किसी भी व्यक्ति का वो उसके अनुभवों से परे नहीं होता है. द कॉग्निटिव साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग डिस्क्राइब्स हाउ अ पर्सन गेन्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड हिज और हर यूनिवर्स so constructed that his or herself and the psychological environment compose a totality of mutually interdependent coexisting factors. यानी कि cognitive psychology learning की कहता है, ये बताता है कि किस तरह से एक व्यक्ति अपने आप को समझता है, किस तरह से वो अपने इर्द-गिर्द का universe construct करता है, कैसे उसका psychological environment बनता है. totality मतलब जितने भी हमको फैक्टर्स हमारे साइकोलॉजी को प्रभावित कर सकते हैं वो सभी म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट होते हैं. तो ये सारी स्टडी कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट करते हैं. तो इनके हिसाब से लर्निंग क्या हुई, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से लर्निंग अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव फील्ड साइकोलॉजिस्ट इज ए चेंज इन इनसाइट ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर. यानी कि हमारी अंतर्दृष्टि में अगर चेंज हो जा रहा है, हमारे संज्ञानात्मक संरचना में चेंज हो रहा है, तो ही लर्निंग है. जैसे कि बिहेवियरिस्ट क्या कहते हैं, लर्निंग इज ए चेंज इन बिहेवियर. उसी तरह से कॉग्निटिविस्ट क्या कहेंगे, लर्निंग इज अ चेंज इन इनसाइट. और चूंकि ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट भी है इसलिए इन्होंने इनसाइट की बात की है, सूझ का सिद्धांत है. लर्निंग देन इज अ डायनेमिक प्रोसेस वेयर बाय थ्रू इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस इनसाइट्स और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ स्पेसेस आर चेंज्ड. तो कह रहे हैं कि इस तरह से अधिगम क्या है, एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें कि इंटरैक्टिव एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, उनके थ्रू, उनके द्वारा, उनके बाद हमारी जो इनसाइट है, हमारी जो अंतर्दृष्टि है और हमारे लाइफ स्पेस का कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बदलता रहता है. तो लाइफ स्पेस क्या है, बार बार बात हो रही है लाइफ स्पेस की. लाइफ स्पेस इज अ मॉडल ऑफ साइकोलॉजिकल रियलिटी और फंक्शनल रिलेशनशिप्स डेवलप्ड टू डिस्क्राइब व्हाट इज पॉसिबल एंड व्हाट इज इम्पॉसिबल फॉर द पर्सन स्टडीड एंड टू एंटीसिपेट और प्रेडिक्ट व्हाट ही और शी इज लाइकली टू बी थिंकिंग एंड डूइंग नाउ एज वेल एज व्हाट हिज और हर सब्सिक्वेंट थॉट्स एंड एक्शंस वुड बी. मतलब लाइफ स्पेस एक साइकोलॉजिकल रियलिटी का मॉडल है या वो फंक्शनल रिलेशनशिप्स बताता है जिससे ये बताया जा सके क्या चीज उस व्यक्ति के लिए संभव है, क्या उसके लिए असंभव है, क्या वो कर सकता है, कैसे वो सोच रहा है, अभी कैसे सोच रहा है, बाद में कैसे सोचेगा, सब कुछ उसके लाइफ स्पेस पे डिपेंड करता है. Thus, the life space consists of the person's needs in interaction with the psychological environment. यानी कि लाइफ स्पेस है क्या, एक व्यक्ति की जो भी आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकताओं का उसके मनोवैज्ञानिक वातावरण से जो भी अंतर संबंध है वही लाइफ स्पेस है, ठीक है. फिर हो गया कि the life space L represents the totality of possible events and includes the person P and the environment E. यानी कि life space क्या represent करता है, वो person जिस व्यक्ति का life space है और उसका वातावरण, उसका environment. Levine expressed his theory in the formula B is equal to function of F of P into E. यानी कि व्यक्ति का जो व्यवहार है, B for behavior, P for person, E for environment, वो व्यक्ति और उसके वातावरण के गुणनफल पर ही उसका व्यवहार निर्भर करता है, ठीक है. ये है लाइफ स्पेस का डायग्राम जिसमें कि ये बाउंड्री ऑफ पर्सन, पर्सन है, उसकी नीड्स हैं, उसके आगे बैरियर मिल रहा है, उसका साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, वेक्टर रेजिस्टिंग रीस्ट्रेनिंग फोर्स यानी कि वो वेक्टर दूसरी तरफ से मिल रहा है, वो बैरियर है, उसको गोल तक जाने से रोक रहा है. ये देखिए ये वाला वेक्टर जो है वो ड्राइविंग फोर्स है, वो हमको गोल की तरफ ले जा रहा है, लेकिन ये वाला वेक्टर क्या है, रीस्ट्रेनिंग फोर्स है, ये हमको गोल से दूर कर रहा है. ये बैरियर है, ये साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, ये हमारे लाइफ स्पेस की बाउंड्री है, ये पर्सन की बाउंड्री है. ये एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर्ट लेविन ने लाइफ स्पेस का दिया. तो लाइफ स्पेस को समझने के लिए दो चीजें समझनी पड़ेगी, इसे बंद करो प्लीज. टोपोलॉजी एंड वेक्टर. तो टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी ऑफ लाइफ स्पेस, टोपोलॉजी इज कंसर्न विद द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ज्योमेट्रिक फिगर्स बीइंग कंसीडर्ड. वो कह रहे हैं टोपोलॉजी से मतलब है कि जो रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ज्योमेट्रिक फिगर्स
यानी कि जो हमने वेक्टर बनाया है, एक दिशा इधर जा रही है, दूसरी दिशा उधर जा रही है, उसकी रिलेटिव पोजीशन से टोपोलॉजी का मतलब है। देयर आर टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिनोटेड बाय द टोपोलॉजिकल स्पेस, वो कहते हैं कनेक्टेडनेस एंड पार्ट होल रिलेशनशिप्स। तो टोपोलॉजिकली थिंग्स मे बी नेक्स्ट टू, इनसाइड और आउटसाइड और वन अनदर, मतलब कह रहे हैं कि टोपोलॉजी का मतलब ये है कि साइज और शेप का कोई सिग्निफिकेंस है, आप गोल बनाइए, आप बेतरतीब बनाइए, कैसा भी बनाइए, कुछ भी हो सकता है टोपोलॉजिकल फिगर। और ये जब साइकोलॉजी में रिप्रेजेंट होगा तो टोपोलॉजी का क्या मतलब हो जाएगा कि पोजीशन ऑफ ए पर्सन अबाउट वन्स फंक्शनल गोल्स एंड द बैरियर्स टू देयर अचीवमेंट, यानी कि व्यक्ति, उसका गोल और उसके बीच में जो बैरियर आ रहा है वही उसकी टोपोलॉजी है, ठीक है। और वेक्टर, whereas topological concepts are used to show what structurally possible, vectorial concepts describe the dynamics of a situation, मतलब vector, वो कह रहे हैं ना कि एक vector driving force है और एक restraining force है, तो अगर driving force ज्यादा होगा तो हम goal की तरफ चले जाएंगे, यानी कि वो dynamics बताता है कि किस तरफ हम जाएंगे, या अगर आपके restraining force बहुत ज्यादा है तो आप goal से दूर हो जाएंगे, तो ये vector ये दिशा बताता है कि वो opposition में लग रहे हैं कि आपके goal की तरफ लग रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स से बोरो किया गया है। और साइकोलॉजिकल पर्सन एंड एनवायरनमेंट, किसको कहेंगे साइकोलॉजिकल पर्सन, द साइकोलॉजिकल पर्सन ऑक्यूपाइज द पोजीशन द सेंटर ऑफ द साइकोलॉजिकल फील्ड, यानी कि सारा काम हो किसके लिए रहा है, साइकोलॉजिकल पर्सन के लिए, और उसके लाइफ स्पेस में सब कुछ आता है, सब कुछ, उसकी नीड, एबिलिटी, गोल, बैरियर, वेक्टर, सब कुछ। और साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या है कि लर्निंग, चूंकि इनकी डायनेमिक प्रोसेस है, तो वो कह रहे हैं कि वो सारा एनवायरनमेंट जो हम जिसकी वजह से कॉग्निशन में चेंज हो रहा है वो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, ठीक है। अब पूरा पढ़ नहीं रही हूँ, देखिए दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कर्ट लिविन ने जो टर्म्स दिए, जो बाद में आपको कहीं मिलेंगे, और कभी हो सकता है सवाल पूछा जाए तो आप कहेंगे कि आपने तो कर्ट लिविन की थ्योरी पढ़ ली थी लेकिन ये दो चीजें कैसे छूट गई। तो ग्रुप डायनेमिक्स का कंसेप्ट भी कर्ट लिविन ने दिया है और एक्शन रिसर्च का कंसेप्ट भी कर्ट लिविन ने दिया है। ग्रुप डायनेमिक्स क्या है कि समूह की गतिकी है ना, द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ लिविन सोशल, मतलब सोशल साइकोलॉजी में भी इन्होंने काम किया और ग्रुप डायनेमिक्स के कंसेप्ट को निकाला, और इन्होंने कहा कि द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स टू इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर, यानी कि समूह के व्यवहार में कैसे ग्रुप डायनेमिक्स होती है। उन्होंने कहा कि जस्ट एज द इंडिविजुअल एंड हिज और हर एनवायरनमेंट फॉर्म ए साइकोलॉजिकल फील्ड, सो द ग्रुप एंड इट्स एनवायरनमेंट फॉर्म ए सोशल फील्ड, जैसे कि व्यक्ति और उसका वातावरण मिलकर साइकोलॉजिकल फील्ड, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र बनाता है, उसी तरह से समूह और उसका एनवायरनमेंट मिलके सोशल फील्ड बनाता है। और इन्होंने एक बहुत क्लासिक एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें उन्होंने पाया कि जो अथॉरिटी, मतलब कि डिसिप्लिन पे किया था, तो अथॉरिटेरियन एक था जिसमें अथॉरिटी से मतलब डांट डांट के सबको चुप बिठाया गया, एक डेमोक्रेटिक जिसमें सबको खुला छोड़ दिया गया, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत आप पे अनुशासन रहेगा, और लेसेस फेयर में आपको बिल्कुल खुला छोड़ दिया गया। तो उन्होंने पाया कि जो अथॉरिटेरियन ग्रुप था उसके बच्चे जो है वो एग्रेसिव हो गए, जबकि डेमोक्रेटिक ग्रुप के बच्चे एक दूसरे की तरफ फ्रेंडली हुए। तो इन्होंने यहाँ से इन्होंने ग्रुप डायनेमिक्स की के बारे में बताया और सोशल साइकोलॉजी को एक तरीके से दिशा दी, और एक नई तरीके की साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी की शुरुआत होती है कर्ट लिविन के हिसाब से। तो ग्रुप डायनेमिक्स का मतलब कंसेप्ट इन्होंने दिया है कर्ट लिविन ने, ये आपको बताना चाहिए। उसी तरह से और बता रहे हैं, आप पढ़ लीजिए ग्रुप डायनेमिक्स क्या है, मतलब मैं तो इसको साइड में बताना चाह रही हूँ कि आपको पता रहे कि कर्ट लिविन का नाम ग्रुप डायनेमिक्स से भी जुड़ता है, बाकी लर्निंग थ्योरी तो इनकी वो हो गई। और एक्शन रिसर्च का कंसेप्ट भी कर्ट लिविन ने दिया है कि उन्होंने कहा एक्शन रिसर्च क्या है, जब हम लोग रिसर्च में एक्शन रिसर्च पढ़ते हैं कि जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए लोकेलिटी को, कंटेक्स्ट को कंसिडर करते हुए हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, मतलब जो हम पे बीत रहा है, तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो रिसर्च करते हैं वो एक्शन रिसर्च होती है। तो इन्होंने कहा कि कर्ट लिविन डेवलप द एक्शन रिसर्च मॉडल इन मिड 1940s टू रिस्पॉन्ड टू प्रॉब्लम्स ही परसीव इन सोशल एक्शन, यानी कि सामाजिक क्रियाओं में इन्होंने कुछ समस्याएं परसीव की और उसके निराकरण के लिए एक्शन रिसर्च का मॉडल दिया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्शन रिसर्च कर्ट लिविन से जुड़ती है, जाके कर्ट लिविन ने ही एक्शन रिसर्च की शुरुआत की। तो ये जो आपका बंडूरा था उसकी जो थ्योरी थी वो बिहेवियरिस्ट और कॉग्निटिविस्ट के बीच की थी, जबकि जो कर्ट लिविन की थ्योरी है वो कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी है। क्यों? क्योंकि ये कॉग्निशन की बात कर रहे हैं, ये बिहेवियर की बात नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो हमारी लर्निंग है वो चेंज इन इनसाइट या चेंज इन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है। और व्यक्ति को कौन डिफाइन करता है? लाइफ स्पेस डिफाइन करता है। और लाइफ स्पेस क्या होता है? हमारा सब कुछ हमारा लाइफ स्पेस है। हम क्या, हमारी आवश्यकताएं क्या है, हमारी योग्यताएं क्या है, हमारा कौन साथ दे रहा है, हमारा कौन विरोध कर रहा है, एवरीथिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अवर लाइफ स्पेस। ओके, so in this way I have completed this very topic, so go through it and thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I have done from my side.